पिछले 3 महीनों में टाटा एयरबस, वेदांत, फॉक्सकॉन समेत 4 बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर चले गए हैं। इस मामले को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ विपक्ष आक्रामक होता जा रहा है। बीजेपी विधायक राम कदम ने भी ट्वीट कर एमवीए नेताओं के नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है। राम कदम ने ट्वीट में लिखा कि आखिर क्यों वेदांता फॉक्सकॉन की टीम को महाराष्ट्र के पुणे से सटे तलेगांव में जगह फाइनल करने के बाद भी दूसरे प्रांत में जाना पड़ा, उनसे किसने और कितना कमीशन किक बैक मांगा। वेदांता फॉक्सकॉन और टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के बारे में झूठ पर झूठ बोले जाने वाले महाराष्ट्र के विपक्ष के सभी नेताओं की नार्कोटेस की जाए, क्या सच है देश के सामने आएगा? झूठ बोलने की भी हद होती है। वेदांता फॉक्सकॉन ने महाराष्ट्र के तलेगांव में जगह फाइनल करी, उस समय की सरकार ने क्यों नहीं उनके साथ एमओयू किया? किसने रोका था आपको? कौन से 5 सितारा होटल में आपकी मीटिंग हुई? कौन कौन नेता अधिकारी उस मीटिंग में मौजूद थे? क्या उनसे किसी ने कमीशन किकबैक मांगा? कौन से ऐसे कारज थे कि कंपनी के महत्वपूर्ण लोगों को मिलने से उस समय की सरकार, उनके नेता आनाकानी कर रहे थे?